खंडवा जिले के मोदीनगर के मानधाता उपचुनाव को लेकर बड़े जोर शोर से कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज इसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के निज निवास पर रखा गया, जिसमें उपचुनाव प्रभारी जीवन सिंह रघुवंशी, उपचुनाव सह प्रभारी शामिल हुए। आगामी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को समझाया गया किस तरीके से भाजपा को विजय बनाना है। वहीं रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 15 तारीख से यात्रा निकाली जाएगी, जो हर ग्राम पंचायत में जाएगी और नाटक नुक्कड़ के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको बताया जाएगा। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। युवा मोर्चा 15 तारीख से, आगामी 15 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, विष्णु दत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मध्य प्रदेश के सुभाष भगत जी और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जी पांडे ने एक हमने अभियान चलाया है कि जो स्पेशल 11 हमने हर पंचायत में हर बूथ स्तर पर बनाई है, उसके तहत हम एक यात्रा निकाल रहे हैं 15 तारीख से। वो यात्रा हर ग्राम केंद्र पर जाएगी, हर पंचायत केंद्र पर जाएगी और वहाँ पर हम नुक्कड़ सभा करेंगे और हर पंचायत में जाएंगी। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको वहाँ पे ये पत्रक बांटेंगे और उनका तिलक करेंगे युवाओं के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में। तो ये घर घर जाके, हर घर पर जाके हमारे युवा मोर्चा इसकी घोषणा करेगा। प्रदेश में जो अभी वर्तमान हालत में 27 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उसमें 25 सीटें ऐसी है जिन पे कांग्रेस के द्वारा टिकाऊ और बिकाऊ का मामला आ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने पैसा लिया है, लेकिन कांग्रेस से जहां पहले कहती रही कि इस मामले में हमारे पास सबूत हैं, ऑडियो वीडियो हैं, तो आप उनसे ये क्यों नहीं मांगते जब वो लोग आरोप लगाते हैं कि बिक गए हैं और बिकाऊ हैं? देखिए भाई साहब, क्या है कि ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी ये विधायक आए हैं ये परेशान हो गए थे क्षेत्र में जाने में। कमलनाथ जी पहले वचन पत्र लाए थे, उनके पहले जो उनके साथी थे बंटा ढार, मुख्यमंत्री 2002 का मध्य प्रदेश आपने भी देखा, मैंने भी देखा, क्योंकि हम सब यहीं के निवासी हैं। तो उन्होंने वादे किए थे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपए, और जब दिया नहीं तो वो जब जनता के बीच में जो सिंधिया जी जितने भी विधायक जाने लगे तो बोले, उन्होंने उनको बताया कि भैया जो आपने वचन पत्र किया है आप किसानों का कर्ज माफ कीजिए, बेरोजगार भत्ता युवाओं को दीजिए, तो बोले नहीं दे सकते अभी। तो उन्होंने सिंधिया जी ने बोला था कि हम रोड पे आएंगे, तो बोले आ जाओ, तो पूरी सरकार आज रोड पे है। 27 में से कितनी? 27 में से 27 सीटें जीतेंगे हम, हमारी युवा मोर्चा की पूरी टीम काम करेगी और सबसे ज्यादा मतों से हम ये मानधाता विधानसभा जीतेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का 2 बार दौरा आज भी कैंसिल हो गया है, 14 तारीख का भी जी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो 23 तारीख का हो गया ना उनका कन्फर्म। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।